हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आपका भाई आ चुका है फिर से एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉक लेके। आज का ब्लॉक जो सरस्वती पूजा है उस पे है। हम लोग आज अपने स्कूल में जाने वाले हैं। आज फिर हम तीन जन आए हैं। तो हम नॉर्वे पे के मना एक ये है, वो सबसे पहले वीडियो में था, ये तो कभी नहीं आया था हमारे साथ। देख लीजिए आज, और स्कूल के काफ़ी करीब हम आ चुके हैं। अब हम लोग स्कूल के स्कूल पे आ चुके हैं और देख सकते हो पीछे दिख रहा होगा, यही स्कूल है वो। हम अभी 10 में पढ़ रहे हैं और ये हमारा आखिरी सरस्वती पूजा होगा ये स्कूल पर। देखिए ये स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है। एक साइड में पानी भरा है, वो वर्षा के कारण से हो चुका है। वहाँ पर भीड़ दिख रहा होगा, वो हमारे स्कूल का ही विद्यार्थी है। ये देखिए काफ़ी बड़ा फील्ड है, यहाँ पर पानी जम चुका है। आज दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पानी जम चुका है। देखिए काफ़ी आगे काफ़ी भीड़ है और ये सब स्कूल का विद्यार्थी ही है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इनमें से काफ़ी तो 10 का ही होगा हमारा छपरी ग्रुप। वो दिख रहा है, एक वो सर है, ये जो दिख रहा है वो सर है। सामने जो दिख रहा है वो हमारे स्कूल का मेन गेट है और एक गेट पीछे के साइड भी। और सामने दिख रहा होगा कितना पानी मेन गेट के आगे में भी जम चुका है और काफ़ी विद्यार्थी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी आने वाले हैं। और वो राम हृदय सर बाइक लेकर अपने घर जा रहे हैं, शायद पूजा सम्पन्न हो चुका है। देखिए वो अपने घर भी जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ तो इकट्ठा हो चुका है। चलो हम आप लोगों को पूरा स्कूल घुमा देते हैं। यही है हमारा ये स्कूल, हम भी 10 में जो पढ़ता है वो रूम उधर है, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। यहाँ से यहाँ तक है जो कंप्यूटर लैब, ऑफिस और क्या क्या कुछ रखा है यहाँ पर। ऊपर सोलार भी लगा है। और यहाँ से जो दिख रहा है आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से एक से लेकर वहाँ तक 6 क्लास में पढ़ाई होता है यहाँ पर। और ये भाई भी यहीं पर पढ़ते हैं। और इस साइड का व्यू वो जो दिख रहा है वो पार्किंग है। और अपना ये टपोरी गैंग का एक बंदा वहाँ पर आ रहा है। और वो जो मंदिर दिख रहा होगा, हम स्कूल के भीतर है अभी। आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर एक 3 तल्ला बिल्डिंग भी है, वो भी घुमाऊँगा आप लोगों को। ये पूरा अभी बंद है, जनवरी 1-2 तारीख का ये बंद हो चुका था। दिख रहा होगा आप लोगों का काफ़ी कुछ। ये अभी बिल्डिंग का काम चल रहा था इसलिए यहाँ पर बालू है। ये जो दिख रहा है 9 क्लास है, ये अपना फ्री फायर गेम है, देख सकते हो आप लोग। ये सब फ्री फायर खेल रहा है अभी। और ये बिल्डिंग का आगे का व्यू है। और ये क्लास तो अभी लॉक ही है और ऊपर तो हम जा नहीं सकते, अभी लॉक है। देख रहे होगा वो अपना छपरी ग्रुप का एक लंडा है। और ये साइड जो है ये हॉस्टल का साइड है और यहाँ पर काम भी चल रहा है। आगे देखिए कैसा है। और वो दिख रहा होगा वो बॉयज़ टॉयलेट, वो दिख रहा होगा गर्ल्स टॉयलेट, ये क्लास ठप्पा है। और यहाँ देख रहे होंगे फील्ड में अभी काम चल रहा है, तो क्या क्या हुआ है देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कचरा जो दराज है वहाँ पर ये फेंका हुआ है। और पाइप भी काफ़ी यहाँ पर है, ये पाइप स्कूल का नहीं है। 3 तल्ला बिल्डिंग है ये जनता मावी का, देख सकते हो आप सब कितना बड़ा है। और ये सामने दो, एक पीपल का और एक बर का पेड़ है। और चलिए सामने शूट दिख रहा होगा आप लोगों का, वहाँ पर कुछ शूटिंग टाइम चल रहा है। यहाँ पर फ्लैग लगाया गया है ऊपर, देखिए इसे सजाया कुछ नहीं किया गया, एक फ्लैग लगाकर छोड़ दिया गया है। और सामने दिख रहा होगा आप लोगों का ये मंदिर है। अब यहाँ पर लगता है पूजा स्टार्ट हो चुका है। और ये पूरा मंदिर का सामने से दिखने वाला व्यू है, देखिए काफ़ी तो सुंदर तो है लेकिन लाइटिंग की वजह से आप लोगों का दिख नहीं रहा होगा। मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। और ये मंदिर का भीतर में पूजा चल रहा है अभी। चलिए अब हम जा रहे हैं गाड़ी। और अंदर जो दिख रहा होगा वो हम लोगों का हेड सर है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो हेड सर है। और बाहर का व्यू देखिए। और ये पूरा गाछी भी स्कूल का ही है, देखिए ये क्या है, नागिन डिंग डिंग, देख सकते हो ये अभी जिंदा है। ये अभी स्कूल के ऊपर भाग में है, देख सकते हो। ये भाई अभी कुछ लाने गया, उसे हरकाने के लिए या मारने के लिए, मारेगा तो नहीं हरका देगा। पोखरी का पूरा साइड में है,
ये कितना बड़ा छलांग लगा चुके हैं। एक आगे तक मैं दिखाता हूँ और ये सामने दिख रहा है वो टीक का पेड़ है, देखिए कितना बड़ा बड़ा पात है। और ये सफा भी है, कल जो धुआंधार हवाबारी हुआ था उसके कारण से पूरा सफा हो चुका है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कितना सफा है। और यहाँ से काफ़ी नज़दीक एक नदी है और वहाँ तक भी हम जाएंगे। ये ढीम की जो दिख रहा है ना ऊँचा वाला बांध, यहाँ से स्कूल का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है और इस साइड भी यहाँ से स्कूल का प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। और उधर होता है अब गांव का व्यक्ति का खेत और वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये भी पहले गाछी ही था और इस गाछी का अभी का नाम है लकड़िया गाछी, आप लोगों को मैं बता दूं। और सामने जो गाछी है उससे कुछ यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, स्कूल से 500 मीटर की ही दूरी पर एक जो नदी है और वो नदी हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। स्कूल से जो विद्यार्थी बंक मारता है वो नदी में जाकर बैठ जाता है, उसके बाद छुट्टी होने पर आता है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम है गोपालपुर। और यहाँ पर देखिए जाने वाला रास्ता तो बंद है लेकिन वहाँ से हम लोग जा सकते हैं आगे से, आगे जाओ फिर घूम राइट टर्न लो उसके बाद आगे जाना, इतना जाना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पर भी काफ़ी गाछी कटा गया है, देख सकते हो आप खूट सब दिख रहा होगा। ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर गाछी को नहीं रखा जाता, काट दिया जाता है। लेकिन गाछी तो नहीं काटना चाहिए लेकिन काट दिया जाता है, क्या करेंगे। अब हम लोग बांध के नीचे आ चुके हैं और ऊपर चढ़ना है, अभी चढ़े नहीं है बांध। और सामने भी एक खड्डा है इसलिए हम लोग साइड से जाएंगे, यहाँ से जाकर वहाँ पर थोड़ा सा जंप लगाएंगे और इतना बड़ा पानी से बच जाएंगे और कुछ नहीं होगा। देख सकते हो ये नदी का दूसरा साइड है बांध से, इस साइड खेती करने वाला था लेकिन ये भी बेकार पड़ा है बालू के कारण से, बेकार पड़ा है और इसे उपजाऊ बनाने के लिए अभी किसान सब मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा। ये किस चीज़ का गाछी वो मुझे पता नहीं, वह पेड़ ये किस चीज़ का वो मुझे पता नहीं। और हम ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ से काफ़ी बड़ा नदी है, वो सामने दिख रहा है वही बांध है और वो सामने ब्रिज भी बन रहा है यहाँ पर, पुल इस पार से उस पार जाने के लिए। और यहाँ से मैं दिखाऊँ आप लोगों का कुछ आ रहा हूँ मैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर काटा गया है वो पानी ने, बांध आधा काट दिया है आधा बाकी है। सामने जो छोटा सा वो खेत जैसा दिख रहा है वहाँ पर भी खेती होता है। ये सामने जो दिख रहा है ये बैट बॉल का पिच है और ये भी स्कूल का ही ज़मीन है, देखिए काफ़ी बड़ा है और इसका हालत अभी कुछ खेलने जैसा तो नहीं है, देख सकते हो कितना बेकार है। और दो दिन से बारिश हो रहा है उसी के कारण से पूरा बेकार हो चुका है। और सामने भीड़ भी काफ़ी लग चुका है, अब वो जो पूजा है वो ख़त्म होने वाला है और अभी हम लोग जा रहे हैं साइड में बैठने। और स्कूल पर देखिए सोलर भी लगाया गया है और वो सामने दिख रहा है वो डी बोर्डिंग है और उसके पीछे वो जो है वो टॉयलेट है, काफ़ी बड़ा है लेकिन कभी भी वो यूज़ नहीं हुआ है। ये स्कूल का पीछे का हिस्सा है, देख सकते हो आप लोग और वहाँ तक है, चलिए हम लोग दिखा रहे हैं। और ये स्कूल क्षीरेश्वर नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 10 में पड़ता है। और सामने जो दिख रहा है वो लक्ष्मीनिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 है और ये जो दिख रहा है क्षीरेश्वर नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 10 है और सामने जो है वो मंडल चौक है। ये सामुदायिक भवन अभी बन रहा है, देख सकते हो आप लोग। और अब हम लोग घर जा रहे हैं और गांव में कितने जगह सरस्वती पूजा वो सब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। चलिए यहाँ से गांव शुरू होता है, अभी आ चुके हैं अपने गांव के पार्क में और यहाँ भी सरस्वती मूर्ति लाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कुछ पैसे इकट्ठा कर और कुछ पैसे बंदा लोग अपने अपने घर से ही जोड़ कर लाया गया, जितने बंदे बैठे वो सब अपने घर से पैसा तीर कर बैठे। और सामने रहा सरस्वती जी का मूर्ति। अभी हम आ चुके हैं आयुष भाई के दूरा पर और वो आयुष भाई भी मूर्ति लाया है, ये अपना भाई ही है, ये 8 में हम लोगों का साथ ही पढ़ता है, ये भी मूर्ति लाया।
लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।